वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टू कलर की एडी और अंगूठे वाले बहुत ही प्यारे से सुंदर से टू कलर की लेडीज सॉक्स लेके आई हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको बुना है, बहुत ही प्यारा सा यूनिक सा डिज़ाइन बना है। एडी और अंगूठे में मैंने इसको बनाया है। 5, 6 और 7 नंबर का परफेक्ट साइज है। जितनी देखने में सुंदर है, बनाने में उतनी ही आसान है। आप इसको छोटे साइज से लेके और फुल साइज से तक बना सकते हैं। इसका मैंने मेजरमेंट वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप इसको बुनने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और इसको बुनिएगा। 5, 6, 7, 8 नंबर के लिए, 9 नंबर के लिए फंदे इतने ही डालिएगा और आगे बनाने का प्रोसेस ये बिल्कुल सेम रहेगा यहाँ तक। फिर आप इसकी लेंथ को बढ़ा लीजिएगा जिस भी साइज में आपने इसको अपने पैर के अकॉर्डिंग बुनना हो। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बन के आई है इस तरह से। देखिए पता भी नहीं चलेगा आपको इसका, इसकी सिलाई कहाँ से की हुई है। एडी और अंगूठे में एंकल सॉक्स है, जुराब कहिए, सॉक्स कहिए, जूती कहिए, कुछ भी बोलिए आप, इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप इसको बुनना चाहते हैं तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, डिजाइन पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहे। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। इसको मैंने टू कलर में बनाया है। आप इसको मल्टी कलर में भी बुन सकते हैं, इस डिजाइन को आप मल्टी कलर में भी डाल सकते हैं। लेडीज, जेंट्स, बेबी बॉय, गर्ल्स, किसी के लिए भी आप इसको बना सकते हैं। 5, 6 और 7 नंबर का परफेक्ट साइज है और आप इसको छोटा बड़ा किसी भी साइज में बुन सकते हैं। इसका मेजरमेंट मैंने वीडियो में दिया हुआ है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। तो चलिए लेडीज सॉक्स बुनना शुरू करेंगे। तो इसको बुनने के लिए मैंने ये टू कलर लिए हैं, एक पिंक लिया है, एक मैंने ग्रे कलर लिया है। 3 तार वाली 3 प्लाई वाली वूल है, इससे हम इसको बुनाएंगे। और यहाँ पे मैंने ये 9 नंबर की सिलाई ली है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। तो इसको बुनने के लिए मैंने यहाँ पर 47 यानी 47 फंदे डाले हैं, डबल धागे से डाले हैं। और फिर मैंने ये इसका बॉर्डर बनाया है, एक उल्टे एक सीधे का, इस तरह से बुनते हुए बॉर्डर को कंप्लीट किया है। टोटल 24 सिलाइयाँ बुनी हैं, 12 सिलाइयाँ सीधी तरफ से और 12 सिलाइयाँ उल्टी तरफ से। दोनों तरफ से सेम बॉर्डर बुना है, देखिएगा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, इस तरह से बनाते हुए इसको हम कंप्लीट करेंगे। अब ये बॉर्डर बनाने के बाद आपको जितनी बॉर्डर की लेंथ चाहिए आप उतनी सिलाइयाँ बुन सकते हैं। अब यहाँ से ये है हमारी उल्टी साइड, उल्टी तरफ से हम सेकंड कलर लगाएंगे और सेकंड कलर लगा के पूरी सिलाई को हम ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे, इस तरह से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। उल्टी तरफ से भी उल्टा बुनेंगे और सीधी तरफ से भी पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। तो ये 2 सिलाइयाँ हम दोनों तरफ से उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट करेंगे। पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया, अब आ गए सीधी तरफ। अब देखिए यहाँ से इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बना लेंगे, इस तरह से उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो देखिए ये हमारी एक लाइन बन गई, 2 सिलाइयों में एक लाइन बन के आएगी। 2 सिलाई हमने ग्रे से बुनी, 2 अब हम बेस कलर से बुनेंगे, फिर 2 ग्रे से बुनेंगे, फिर 2 बेस से बुनेंगे। तो इसी तरह से एक लाइन हमारी ग्रे की आएगी, एक हमारी फिर पिंक कलर की आएगी, एक ग्रे की एक पिंक की। तो इसी तरह से 4 लाइनें ये हम ग्रे से बुनेंगे और 3 लाइनें पिंक कलर से बुनेंगे। तो इस तरह से हम इसकी टोटल ये 7 लाइनें बुन लेंगे, एक ग्रे की एक पिंक की, एक ग्रे की एक पिंक की, टोटल 7 बुन के फिर मैं आगे आपको दिखाऊँगी। यहाँ से फिर से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए इसकी हम 7 धारियां बुन लेंगे। तो
तो देखिए बॉर्डर के ऊपर वाले पार्ट को हमने बुन लिया है। चार लाइनें हमारे सेकंड कलर की हैं, तीन लाइनें हमारे बेस कलर की हैं, टोटली ये सात लाइनें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सात लाइनें बुनने के बाद अब यहाँ से हम इसकी एडी बनाएंगे। तो एडी बेस कलर से बुनेंगे, तो बेस कलर को लेंगे यहाँ पे और 12 फंदे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 फंदे हमने बुन लिए। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। अब जो ये पहला फंदा है हमारा, इसको जैसे सीधा बुनते हैं ऐसे ही उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और इन फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। बहुत ही आसान तरीके में हमारी ये एडी और अंगूठे वाली बहुत ही सुंदर डिजाइन में यूनिक सी सॉक्स बन के आ जाएगी। तो ये 12 फंदे हमने बुन लिए बेस कलर से। अब इन्हीं 12 फंदों को फिर से बुनेंगे दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए। इसकी ये टोटल 12 लाइनें ही फिर से बना लेंगे। एक लाइन दो सिलाइयों में बनेगी, तो टोटल 24 सिलाइयाँ हमारी ये एडी की बनेंगी। ये हमारी तीसरी सिलाई है और उल्टी तरफ है। ये 12 फंदे बुन लिए। अब सीधे फिर से यहीं से ही मुड़ेंगे और जो ये फर्स्ट फंदा है इसको जैसे सीधा बुनते हैं ऐसे ही उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से ऐसे ही बुनेंगे उल्टा उल्टा बुनाते हुए। इन्हीं 12 फंदों को बार बार रिपीट करेंगे। तो दोनों तरफ से उल्टा बनाते हुए जैसे ये मैंने दो लाइनें बनाई हैं ऐसे ही हम यहाँ पे टोटल 12 लाइनें बुन लेंगे। तो एडी वाले ये 12 फंदे बुनते हुए हमने टोटल ये 12 धारियाँ बुन ली हैं। इनको काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 सिलाइयाँ हमने ये बुनी हैं। 24 सिलाइयाँ हैं, 12 लाइनें हैं। तो अब देखिए ये हमारी सीधी तरफ है। अब हम उल्टी तरफ आएंगे और इन फंदों को हम बंद करेंगे यानी बाइंड ऑफ करेंगे। दो फंदे लेंगे, दो का एक बुनेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और दो का एक बुनेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और दो का एक बुनेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे, आगे से एक फंदा लेके दो का एक बुनेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे, आगे से एक फंदा लेके दो का एक बुनेंगे। तो इसी तरह से इन सभी फंदों को हम बंद करेंगे। तो देखिए ये हमने फंदे बंद कर दिए हैं। अब हमारे पास एक फंदा है, 12 फंदे में से 11 फंदे बंद हुए हैं, एक फंदा बचा है, तो यहाँ पर 11 फंदे हमारे कम हो गए हैं। अब देखिए ये उल्टी तरफ है। अब इसको ऐसे सीधी तरफ ले आइएगा, जिस सिलाई पे हमारे ये फंदे हैं इसी सिलाई से हम यहाँ से फंदे उठाएंगे। जो ये हमने एक एक फंदा बगैर बुना हुआ उतारा था, इसके अंदर से एक एक फंदा इस तरह से उठाते जाएंगे। इसकी ये दो चैन आपको नजर आएंगी, जो अपनी तरफ ये चैन है इसके अंदर से फंदा उठाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, इसी तरह से हर एक चैन के अंदर से उठाते हुए 11 फंदे उठा लिए। देखिए सीधी तरफ से ये 11 फंदे उठा लिए हैं। इस साइड से हमने फंदे बंद किए थे और ये फंदे हमने उठाए हैं जिस तरफ हमारा सीधा हिस्सा है। अब आ जाइए उल्टी तरफ ही आ जाइए फिर से, ऐसे ये फंदा बुना हुआ है। अब जो ये 11 फंदे उठाए हैं इनको भी बुन लेंगे, इनको उल्टा उल्टा बुनेंगे।
फिर से हमारे वही 12 फंदे बन जाएंगे, ये जो हमने बंद किए थे 11, वही 11 फिर से उठाए हैं। तो अब देखिए फिर से ये 12 ही फंदे हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा गैप नज़र आएगा, तो इसको भरने के लिए यहाँ से हम फंदा उठा लेंगे। इसके अंदर से यहाँ से फंदा उठा के इस निडल में डाल लेंगे, और इन ये उठाया हुआ फंदा और एक आगे से 2 का 1 कर देंगे ऐसे। तो ये गैप हमारा यहाँ से कवर हो जाएगा और पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। लास्ट तक इसको उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो देखिए लास्ट तक पूरी सिलाई को बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो देखिए जिस तरह से ये हमारी हाफ एडी बन के तैयार हुई है, इसी तरह से हम यहाँ पर फिर से 12 फंदे बुनेंगे। तो देखिए 12 फंदे कैसे बुनेंगे, उल्टे उल्टे बना लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 धागा पीछे करके इस फंदे को सीधा बना लेंगे 12। तो देखिए 12 फंदे बन गए। फिर से यहीं से वापस मुड़ेंगे, इसको बगैर बुना उतारेंगे और फिर से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो ये 12 फंदे फिर से एडी के बुनेंगे। दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए इसको बुन लेंगे। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो देखिए जैसे ये हाफ एडी यहाँ पे बनी है, ऐसी ही हाफ हमारी यहाँ पे बनेगी। इन्हीं 12 फंदों को देखिए, एक सिलाई और बना के दिखा देती हूँ, फिर ऐसे ही आप इसकी 12 धारियाँ फिर से बुन लीजिए। बहुत ही आसान डिजाइन है, किसी भी कलर में आप बनाइए, मल्टी कलर में, 2 कलर में, सिंगल कलर में, लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए, बेबी के लिए, गर्ल के लिए, किसी के लिए भी बनाइए, सभी के लिए ये बहुत ही आसानी से बन के आती है। धागा पीछे, लास्ट वाला फंदा सीधा, ऐसे ये फंदा हम इसलिए सीधा रखेंगे क्योंकि इसमें से हमने फंदे उठाने हैं, इसलिए इसको यहाँ से उल्टी तरफ से बगैर बुना ले लेंगे। तो फंदे बहुत ही फिनिशिंग के साथ उठाए जाएंगे। तो दोनों तरफ से ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनते हुए इसकी 12 सिलाइयाँ टोटल बुन लीजिए। ये 12 धारियाँ बुनेंगे। तो देखिए यहाँ से ये एडी की हमने लाइनें बुन ली हैं। ये हमारी देखिए 11 लाइनें बुनी हैं। जो 12वीं लाइन आएगी, 12वीं लाइन के ऊपर हम इन सभी फंदों को सीधी तरफ से बंद करेंगे। इस तरह से 2 का 1 बुनेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे, आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, वापस इसी पे लेंगे, आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 करेंगे, फिर वापस लेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो इसी तरह से हम इसके 11 फंदे बाइंड ऑफ कर लेंगे, लास्ट में एक फंदा बचेगा। तो अब ये हमारे पास एक फंदा बचा है। अब देखिए यहाँ से जो फंदे 11 बंद किए हैं वो यहाँ से हमने उठाने हैं। तो जो ये चैन है, आपको बगैर बनाया हुआ फंदा उतारा है, इस फंदे को हम देखिए कैसे इसके फंदे उठाएंगे। तो इस चैन का जो अपनी तरफ वाला पार्ट है, इसमें से फंदे उठाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6
सात आठ नौ दस ग्यारह। तो देखिए ग्यारह फंदे हमने उठा लिए। अब देखिए इन ग्यारह फंदों को, जो ये फंदे हैं इसी सिलाई पे हम इनको उतार लेंगे ऐसे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ये ग्यारह। तो ये ग्यारह उठाए हुए फंदे हैं, ये हमने इस सिलाई पे उतार लिए। अब क्योंकि हमने इन फंदों को बुनना है तो यहाँ से इनको उल्टा ही बुनेंगे। इस तरह से ये बारह फंदे बुन लिए। अब देखिए ये यहाँ पे आपको गैप नज़र आएगा, तो इस गैप को भरने के लिए हम यहाँ से एक फंदा इस तरह से उठा लेंगे, इस तरह उठा के इस आगे वाले फंदे के साथ दो का एक कर लेंगे ऐसे। तो ये गैप बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, यहाँ पर कवर हो जाएगा और पूरी सिलाई को ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनेंगे लास्ट तक, ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया, दोनों तरफ से हमारी इस तरह से एडी बन के आ गई है। अब देखिए जो हमने बॉर्डर से ऊपर ये सात लाइनों का डिजाइन बनाया था, ऐसा ही डिजाइन अब हम इसके ऊपर बनाएंगे। कुछ भी नहीं करेंगे, कोई फंदा नहीं घटाएंगे, नहीं कोई बढ़ाएंगे, सेम इन्हीं 47 फंदों को बुनते हुए सेम जैसे ये पार्ट बुना हुआ है बॉर्डर से ऊपर वाला, सेम ऐसे ही डिजाइन डालते हुए इसकी लेंथ को कंप्लीट करेंगे। तो इसकी लेंथ मान लीजिएगा जैसे अंगूठा बुनेंगे वहाँ तक हम इसकी लंबाई को बना लेंगे। तो इसकी लेंथ बना के फिर मैं आगे दिखाऊँगी। अब ये सिलाई हमारी, ये धारी हमारी यहाँ से बेस कलर की बुन गई। अब हम यहाँ पे सेकंड कलर लगाएंगे इस तरह से, सेकंड कलर लगा के और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। इसको अंदर की तरफ दबाएंगे और पूरी रो को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो दोनों तरफ से दो सिलाई बेस कलर से, दो सेकंड कलर से ऐसे ही बुनते हुए इसके इस ऊपर वाले पार्ट को बना लेंगे। इसकी लेंथ को कंप्लीट करके फिर आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसमें अंगूठे और उंगलियों की घटाई हम किस तरह से करेंगे। तो इसकी लेंथ को बुन लेते हैं, दोनों तरफ से ऐसे ही डिजाइन डालेंगे जैसे ये धारियों वाला डिजाइन है। तो इसको बना के फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो इसकी लेंथ को बना के कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए टोटल डिजाइन काउंट करें तो ये सेकंड कलर के एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, तेरह डिजाइन ये सेकंड कलर से डाले हैं। और देखिए ये इसकी लेंथ कंप्लीट होने के बाद जब आप इसको पैर से मेजर करेंगे तो जो ये एडी का पार्ट है यहाँ पे इस तरह से रख के और इसकी लेंथ को ऐसे कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। किसी भी साइज में जब आप बनाएंगे, बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, चार नंबर पाँच नंबर छः सात आठ कितने भी बड़े साइज में बुनना चाहें आप, तो इसकी लेंथ सिर्फ ये यहाँ से लेंथ को बढ़ाएंगे। तो ये यहाँ तक मैंने बुन लिया है, अब हम इसका अंगूठा बुनेंगे। तो जैसे ये सीधे पैर की डमी है तो सीधे पैर का हम बनाएंगे तो हम यहाँ पर ही अंगूठा बुनेंगे, अंगूठा हम यहीं पर ही बुनेंगे। और ये यहाँ पे बनाएंगे हम इसकी उंगली, तो यहाँ पर हम इसका अंगूठा बुनेंगे। तो ये 11 13 डिजाइन सेकंड कलर के बुनने के बाद जब हमारी बेस कलर की सिलाई आई तो यहाँ पर हमने इस धागे को कट किया सेकंड कलर का, इसको पूरी को बुना उल्टा उल्टा। अब देखिए यहाँ से इस सिलाई को हम सीधा सीधा बुनेंगे,
ऐसे सीधा सीधा बना लेंगे। पूरी सिलाई को फिर सीधा सीधा बुन लिया, क्योंकि अंगूठे और उंगली की बुनाई हम सीधी सीधी करेंगे, सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी। तो अब देखिए ये सीधे पैर का बुनेंगे सॉक्स, तो हम यहाँ पे अंगूठा बनाएंगे, और उल्टे पैर के बुनेंगे तो इस साइड में अंगूठा बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए अब हम 16 फंदों में अंगूठा बुनेंगे, तो इसमें से हम 16 फंदे बुनेंगे उल्टे उल्टे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। 16 फंदे हमने बुन लिए। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे ऐसे, इन फंदों को अब नहीं बुनेंगे, इसी इन 16 फंदों को बुनते हुए हम इसके अंगूठे की लंबाई को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से सीधी तरफ से सीधा बुनेंगे, उल्टी तरफ से उल्टा बुनेंगे, सिर्फ इन 16 फंदों को बुनते हुए इसकी लंबाई बना लेते हैं, फिर आगे मैं इसकी आपको घटाई बताऊंगी। तो देखिए अंगूठे की लेंथ को हमने कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। टोटल सिलाइयाँ अगर हम काउंट करें तो ये हमारी देखिएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, एक ये स्टार्टिंग में बोली 16, टोटल 16 सिलाइयाँ हमने बुनी हैं। अब हम देखिए फंदे घटाएंगे, इसकी घटाई करेंगे, तो दो फंदों का एक फंदा ऐसे बना लेंगे, दो का एक बुनेंगे, फिर से दो का एक बुनेंगे, फिर से दो का एक बुनेंगे, फिर से दो का एक बनाएंगे। तो इसी तरह से दो का एक बुन लेंगे, 16 फंदों से हमारे ये 8 फंदे रह जाएंगे। अभी लास्ट में भी दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे। तो देखिए अब हमारे पास ये टोटल 8 फंदे हैं। अब उल्टी तरफ से कोई फंदा नहीं घटाएंगे, ये पूरी सिलाई ऐसे ही बुनेंगे। 8 फंदे हैं जो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 फंदे बुन लिए। अब देखिए जो ये 8 फंदे हैं इनके अब 4 फंदे बन जाएंगे, दो का एक करेंगे, तो दो का एक करेंगे, फिर से दो का एक करेंगे, फिर से दो का एक करेंगे, फिर से दो का एक करेंगे। तो ये 4 फंदे बन गए। अब उल्टी तरफ से अब देखिए फिर से ये 4 फंदे ऐसे ही बुन लेंगे। इस तरह से अब सीधी तरफ से देखिए फिर से इनका दो का एक करेंगे, दो का एक बुना, फिर से दो का एक बुना ऐसे। तो देखिए बहुत ही अच्छे से इसकी शेप बन के आएगी इस तरह से, जब आप इसकी घटाई करेंगे। तो यहाँ से फिर से दो का एक कर लेंगे लास्ट में। अब देखिए एक फंदा बचा है तो इसको यहाँ से कट करेंगे और इस धागे को इस फंदे के अंदर से ऐसे निकाल लेंगे ऐसे, और नोट लगा के इसको टाइट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से जब आप इसकी सिलाई करेंगे तो इसकी बहुत ही परफेक्ट से इसकी शेप बन के आएगी इस तरह से। अब हमने ये उंगलियों वाला पार्ट बुनना है, तो हम धागे को ज्वाइंट करेंगे, या तो आप यहाँ से ज्वाइंट करके बुनेंगे या हम यहीं से ही धागा ज्वाइंट करेंगे। तो इस इन फंदों को हम एक बार इस सिलाई में वापस उतार लेंगे, बगैर बुना ही इनको उतारेंगे, क्योंकि सीधी तरफ से हम इसकी घटाई करेंगे। तो अब देखिए टोटल हमारे पास 31 फंदे हैं, 31। तो 15 फंदे इस साइड रखेंगे, 15 इस साइड, और जो ये सेंटर का फंदा है इस पे हमने मार्कर लगा लिया है। मार्कर से 15 फंदे इस तरफ हैं, 15 फंदे इस तरफ हैं। तो
तो देखिए कैसे बुनेंगे। यहाँ पर अब हम इसकी घटाई शुरू करेंगे। तो एक फंदा हम यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से, और इन तीन का एक करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से अब हम अपना ये धागा अटैच करेंगे। इस तरह से धागे को अटैच करते हुए यहाँ से एक नोट हम लगा लेंगे, ताकि ये लूज नहीं रहेगा, टाइट रहेगा इस तरह से। और इसको अंदर की तरफ ही दबा लेंगे, इसको अंदर दबाएंगे। ये हम उंगलियों वाले पार्ट की घटाई करेंगे। अब देखिए ये मार्कर वाला फंदा हमारा सेंटर का है। इसके दोनों तरफ से एक एक फंदा लेंगे और तीन का एक करेंगे। तो देखिए इस मार्कर को हम यहाँ से अब निकालेंगे। ये मैंने पहचान के लिए लगाया था, एक फंदा यहाँ से, एक यहाँ से, तो तीन का एक करेंगे। इसको अब निकाल लेंगे। अब देखिए ये एक फंदा इस पार्ट का है, एक इस पार्ट का, ये सेंटर वाला है। तो इस तरह से या तो आप इसके अंदर सिलाई डाल लीजिए और इस फंदे को निकाल लीजिए और इसको वापस इसी सिलाई में डाल लेंगे। ऐसे ये बीच वाला फंदा आगे आ जाएगा ऐसे, और इन तीन के अंदर सिलाई डाल के पीछे की तरफ से तीन का एक ऐसे बनाएंगे इस तरह से। अब इसको उतार देंगे। अब इसके ऊपर फिर से आप मार्कर लगा लीजिएगा, आपको पहचान रहेगी, बुनने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से ये सेंटर वाला ही फंदा रहेगा। अब आगे के फंदे फिर से ऐसे ही बुन लेंगे। फंदा हम सीधी सीधी तरफ से घटाएंगे, उल्टी तरफ से हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे। तो लास्ट तक इसको ऐसे ही अब बुन लीजिए। लास्ट तक बुनेंगे और उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टा बुनेंगे। उल्टी तरफ से भी पूरी सिलाई को उल्टा बुन लिया। अब फिर आ गए सीधी तरफ। फिर से देखिए यहाँ तक बुनेंगे और एक फंदा मार्कर के इस साइड से लेंगे, एक इस साइड से, तीन का एक करेंगे। इस तरह से डालेंगे। तो अब देखिए ये मार्कर वाला सेंटर का फंदा है। इसके दोनों तरफ से एक एक फंदा लेंगे और इनको तीन का एक करेंगे। तो इसमें सिलाई डाल लेंगे मार्कर वाले में, इस फंदे को निकाल के इसको वापस इस सिलाई में डाल लेंगे। और ये सेंटर वाला फंदा है मार्कर वाला, इसको आगे कर लेंगे इस तरह से। अब इन तीनों फंदों में सिलाई डाल लेंगे इस तरह से, और तीन का एक सीधा फंदा ऐसे बुन लेंगे इस तरह से। अब आगे के फंदे फिर से ऐसे ही बुनेंगे। तो जैसे ये मैंने दो सिलाइयों में घटाई की है, इसी तरह से हम इसकी घटाई करेंगे। इसकी घटाई करके फिर मैं दिखाती हूँ आगे आपको, आगे का पार्ट कैसे बुनेंगे। तो इसी तरह से बुनिएगा, सेम जैसे ये तीन का एक करेंगे सीधी तरफ से, उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे, कोई फंदा नहीं घटाएंगे। तो इसकी घटाई मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आगे दिखाऊंगी आगे आपको। तो देखिए इस उंगलियों वाले पार्ट की घटाई हमने कर ली है। ये जैसे तीन का एक बनता गया, इसकी ये फली सी बन गई। तो देखिए ये हमारा सेंटर वाला फंदा है। 15 फंदे हमारे इस तरफ थे शुरुआत में, यहाँ पे 15 इस तरफ थे। अब हमारे नौ नौ फंदे हैं दोनों तरफ, सेंटर में ये फंदा है। टोटल 19 फंदे हैं। तो हमने छः फंदे इस साइड से घटाए हैं, छः फंदे इस साइड से घटाए हैं। अब देखिए यहाँ तक हमने फंदे घटाए और चार सिलाइयाँ हमने बगैर फंदे घटाए हुए बुन ली हैं यहाँ पर। अब हम देखिए इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले इन हाफ फंदों को, नौ फंदों को बुन लेंगे। पहले इन नौ फंदों को बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच
6, 7 8 और 9। 9 फंदे बुने, एक फंदा और बुनेंगे सेंटर वाला। तो 10 बुन लिए, 9 फंदे इसमें हैं। अब देखिए इनको ऐसे करेंगे, इस तरह से इनको डबल कर लेंगे इसी तरह से। अब देखिए तीसरी सिलाई लेंगे ऐसे, और यहाँ से ये फंदा लेंगे, इसको उतार लेंगे, और एक फंदा इस सिलाई से और एक फंदा इस सिलाई से, दोनों से लेके और दो का एक बुनेंगे इस तरह से, और इन दोनों सिलाई पर से एक एक फंदा ऐसे गिरा देंगे। अब देखिए जो ये पीछे फंदा है, इस फंदे को लेंगे और इसके ऊपर से ऐसे गिराएंगे, दो का एक हुआ जो फंदा इसके ऊपर से। अब फिर देखिए एक फंदा इस सिलाई से लेंगे और एक फंदा इस सिलाई से लेंगे, ऐसे दो का एक करेंगे, फिर इन फंदों को गिराएंगे, और जो पीछे वाला फंदा है इसमें सिलाई डाल लेंगे ऐसे, और इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। फिर से एक फंदा इस सिलाई से लेंगे और एक फंदा इस सिलाई से, दोनों में सिलाई डाल लेंगे और दो का एक बनाएंगे, सिलाई वाले दोनों फंदों को ऐसे गिरा देंगे। अब जो पीछे वाला फंदा है इसमें सिलाई डाल लेंगे और इस फंदे के ऊपर से ऐसे गिराएंगे। अब देखिए एक फंदा यहाँ से लेंगे और एक फंदा यहाँ से लेंगे, दो का एक करेंगे ऐसे, इस तरह से। अब देखिए इसके अंदर सिलाई डाल लेंगे और इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अब देखिए फिर से ऐसे ही करेंगे, तो लास्ट तक हम सभी फंदों को ऐसे ही बाइंड ऑफ करेंगे। तो ये घटाई कंप्लीट हुई, लास्ट में एक फंदा बचा है। इस तरह से इस धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे और सुई में धागा डाल के इस फंदे के अंदर से ऐसे निकाल लेंगे और नोट लगा लेंगे ऐसे। अब देखिए इस तरह से हमारी ये घटाई हो गई है, इस तरह से बहुत ही परफेक्ट से इसकी शेप बन के आई है इस तरह से। अब हमने इसकी सिलाई करनी है, तो इसकी सिलाई करेंगे तो इस तरह से कीजिएगा ऐसे। पहले इसकी आप सिलाई यहाँ से यहाँ तक अंगूठे और उंगली वाले पार्ट की करेंगे, यहाँ से लेके और यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। बहुत ही बारीक टांके लगाते हुए फिनिशिंग के साथ हम इसकी सिलाई करेंगे। किसी भी मेथड से आप सिल लीजिएगा, यहाँ से लेके और यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे उंगली वाले पार्ट के, फिर हम इसको उल्टा करेंगे और अंगूठे की सिलाई करेंगे यहाँ तक, यहाँ तक इसकी सिलाई कर लेंगे यहाँ से लेके और यहाँ तक। तो ये अंगूठे और उंगली वाली सिलाई हमारी हो गई है, देखिए इस तरह से। इस तरह से हमारा ये बन के तैयार हुआ है। अब हमने इसकी इस पार्ट की सिलाई करनी है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक। यहाँ से इसकी सिलाई शुरू करेंगे, यहाँ से करते हुए आएंगे, इस एडी को मिलाएंगे बीच सेंटर में, और यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए इसकी सिलाई, मैं इसकी सिलाई सीधी तरफ से करूँगी बहुत ही फिनिशिंग के साथ, डिजाइन के अंदर डिजाइन को मिलाते हुए। तो यहाँ से इस तरह से यहाँ पे एक नोट लगा के और इसको पक्का कर लेंगे। इस तरह से नोट लगाएंगे। अब देखिए जो ये डिजाइन है, डिजाइन के अंदर डिजाइन को मिलाते हुए इसकी सिलाई करेंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ कीजिएगा, बारीक बारीक टांके लगाते हुए ऐसे। एक बार इस साइड से फंदा उठाएंगे, एक बार इस तरफ से सिलाई करते हुए फंदे को उठा के सिलेंगे। बहुत बारीक बारीक टांके लगाइएगा और फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई कीजिएगा। अगर आप इसकी सिलाई उल्टी तरफ से अगर आप करना चाहते हैं तो उल्टी तरफ से भी कर सकते हैं, और सीधी तरफ से करना चाहते हैं
तो सीधी तरफ से कर सकते हैं। अब देखिए बॉर्डर वाले पार्ट की हमारी सिलाई हो गई है। अब जो ये इस धारी के अंदर इसको मिलाएंगे, इसके अंदर इसको, तो देखिए यहाँ से धारी के अंदर से फंदे में सुई डाल लेंगे, यहाँ से इसके अंदर डाल लेंगे। फिर देखिए जो ये पिंक कलर में है इसमें डाल लेंगे, फिर इस पिंक वाले में डाल लेंगे। तो इस तरह से इसकी सिलाई हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि इसकी सिलाई कहाँ से की हुई है। फिर इसके अंदर डालेंगे ऐसे। तो अब देखिएगा आप धारी के अंदर धारी मिलने के बाद इस तरह से इसकी फिनिशिंग आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे और यहाँ से ये बीच वाला पार्ट, यहाँ से यहाँ तक इसको सिल लेंगे अंगूठे तक। तो इसको सिल के फिर मैं दिखाती हूँ। सेम ऐसे ही सिलिएगा आप जैसे मैंने ये तीन धारियाँ मिला के सिलाई की है। इस तरह से इन धारियों को इनके अंदर मिलाएंगे और फिर यहाँ आएंगे तो इस धारी को इसके अंदर, डिजाइन के अंदर डिजाइन को इस तरह से मिलाते हुए इसकी सिलाई करेंगे। तो इसकी सिलाई करके फिर मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो देखिए सिलाई होने के बाद हमारी सॉक्स की फाइनल लुक इस तरह से बन के आई है। बहुत ही प्यारा सा यूनिक सा डिजाइन बना है। एड्डी और अंगूठे वाली ये सॉक्स बन के तैयार हुई है टू कलर में। तो देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई की है, पता भी नहीं चलेगा कि इसका ज्वाइंट कहाँ पर है। परफेक्ट फिटिंग आती है। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको हमारी ये लेडीज सॉक्स, लेडीज जुराब, अंगूठे और एडी वाली आपको कैसी लगी और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।